क्या हालचाल है दोस्तों। अगर आपको भी कार्ड या ECM के रिलेटेड कोई भी फाइल चाहिए या पिन आउट चाहिए तो आप इस वेबसाइट से ये सभी ले सकते हो। एंड वहाँ पर आपको कस्टमर सपोर्ट भी मिलता है, जिससे अगर आपके पास कोई भी क्योरीज है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हो, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो वो कौन सा वेबसाइट है, आपको कैसे किसी भी फाइल को बाय करना है, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको अपने फोन में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ऊपर में सर्च बार का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली सर्च बार पे क्लिक कीजिए। एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है Amazon.in। जैसे सर्च करेंगे ऊपर में ही आ जाएगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा इस वेबसाइट पर। ऊपर में देखेंगे तो आपको ECM, BCM, EPS, मीटर रिपेयर ये सभी का ऑप्शन मिल जाता है। क्या क्या इस वेबसाइट पर होता है वो सभी आप ऊपर में भी देख सकते हो, कौन सा पिन आउट है एंड कौन सा OS डाटा है। इस वेबसाइट का आपको एप्लीकेशन भी मिल जाएगा, जिसको आप यहां से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। देन यहां पर आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो डिजिटल प्रोडक्ट्स के नीचे सभी फाइल शो हो जाएगा, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। एंड अगर आपको कोई भी अलग फाइल सर्च करना है तो ऊपर में सर्च बार का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करके किसी भी फाइल को IC पिन आउट को सर्च कर सकते हो। नहीं तो आपको साइड में यहाँ पर 3 लाइन मिलेगा, 3 लाइन पे क्लिक करिए, देन आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करिए। एंड यहाँ पर आपको सभी ECM पिन आउट, OS फाइल एंड जितने भी फाइल्स है वो सभी शो हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको स्पीड लॉक फाइल चाहिए, स्पीड अनलॉक फाइल चाहिए एंड न्यूट्रल फाइल चाहिए, वो सभी यहाँ पर शो हो जाएगा। आपको जिसको बाय करना है आप यहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। नीचे में आपको फॉल्ट कोड सॉल्यूशन का ऑप्शन मिलता है। अगर आपके कार में या ECM में कोई भी फॉल्ट कोड आ रहा है तो आप उसको भी यहां से सॉल्व कर सकते हो, आप हेल्प ले सकते हो इस वेबसाइट से। तो यहां पर सबसे पहले आप चूज कर लीजिए आपको कौन से IC या फाइल को बाय करना है। जैसे मुझे ECM पिन आउट में से कुछ चाहिए तो मैं सिंपली इस पर क्लिक कर दूंगा। देन आपको कौन सा मॉडल चाहिए आप यहां पर सिलेक्ट कर लोगे, कौन से गाड़ी का चाहिए आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं सिंपली यहां पर क्रिएटर पर क्लिक करता हूं। जैसे क्लिक करूंगा कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहां पर ये सभी डिटेल हो जाएगा, क्या क्या इसमें है वो सभी यहाँ पर दिख जाएगा। तो इसको बाय करने के लिए नीचे देखेंगे तो यहाँ पर इसका प्राइस शो होगा। बाय करने के लिए आपको सिंपली बाय नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस दिखेगा। आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको बिलिंग डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, देन लास्ट नेम यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिर आपका जो भी कंट्री है कंट्री यहाँ पर डाल दो। फिर फोन नंबर डालने के बाद ईमेल एड्रेस यहाँ पर फिलअप कर दो। फिर आपको सिंपली यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पर टिक कर देना है। और नीचे आप सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इस पे क्लिक कीजिए। फिर आप जिस भी बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं उसका यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल के यहाँ पर पेमेंट को डन कर दीजिए। एंड यहाँ पर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है जैसे पेमेंट करने में, या अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप का लोगो शो होता होगा। आप सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपना व्हाट्सएप सेलेक्ट कीजिए तो आप डायरेक्ट हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर सिंपली हाई रैमजोन खुद से लिखकर आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक करके सेंड कर देना है। तो आप इस तरीके से जिस भी तरह का डाउट है तो आप डाउट भी अपना यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। अगर आप कोई भी फाइल बाय करते हो बट आपका काम नहीं होता है तो आपको रिफंड का ऑप्शन मिलता है, आपका 100% पैसा रिफंड हो जाएगा। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी कहीं भी ले सकते हो एंड 24 आवर्स कस्टमर सपोर्ट भी इसमें आपको देखने को मिलता है। पेमेंट की तो कोई चिंता आपको लेनी नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है। और यहाँ पर शॉपिंग करने से पहले आप एक अकाउंट बना लीजिएगा, जिसे प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में आसानी होती है। तो अकाउंट बनाने के लिए आप सिंपली ऊपर में इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर रजिस्टर्ड का ऑप्शन मिलता है। यूजर नेम, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड डाल के आप अपना एक अकाउंट बना सकते हो, जिससे आपको और भी बेनिफिट मिल सकता है। तो अगर आप कार का काम करते हो या ECM का काम करते हो तो ये वेबसाइट आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। यहाँ पर आपको ECM रिपेयरिंग का कोर्स भी मिलता है, जिससे अगर आप ECM रिपेयर करना चाहते हो तो आप सीख सकते हो। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन भी कर सकते हो एंड ऑफलाइन करना चाहते हो तो ऑफलाइन भी कर सकते हो। एंड और भी बहुत सारे फीचर्स एंड फाइल्स एंड पिन आउट्स इस वेबसाइट में आपको देखने को मिल जाएगा। आप खुद से आकर एक्सप्लोर कर सकते हो Amazon.in।